Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata हरे कृष्णा ओम विष्णुय कृष्णा तेजाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरव भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणों षड् धर्म संस्थापकों लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यौ शरण्या करो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजना आनंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्री गोपालको सर्वसच्चाहमृत सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। हरे कृष्णा। तो आगे रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हमें जो मायावादियों पर जो संघ है उसको बिल्कुल त्याग देना चाहिए। हम लोग अभी ये जनसंघ पे आ गए हैं कि जब जनसंघ जो है मतलब कैसे लोगों का संघ का त्याग करना है हम लोगों को, तो सबसे पहले वो यहाँ पे मायावादियों का नाम ले रहे हैं। जो मायावादी मतलब जो निराकारवादी है या भगवान को मानते हैं जिनका कोई रूप नहीं है, ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी कह रहे हैं इनका संघ हमको बिल्कुल त्याग देना चाहिए, जो हमेशा वैष्णवों को जो है प्रति अपराध करते रहते हैं। फिर आगे कहते हैं भुक्ति कामी है जो हमेशा भौतिक आनंद प्राप्त करने में लिप्त रहते हैं, और फिर मुक्ति कामी जो हमेशा भगवान में लीन होने का सोचते रहते हैं, और फिर है सिद्धि कामी जो हमेशा किसी ना किसी प्रकार की सिद्धि का पाने का प्रयास करते हैं। इन सबको जो है इनको अत्याहारी इस कैटेगरी में गिना गया है। और वो आगे कहते हैं टू एसोसिएट विद सच पर्सन इज नॉट एट ऑल डिजायरेबल, और ऐसे लोगों का संग बिल्कुल हमको नहीं करना। तो किसका किसका नहीं करना है? फर्स्ट मायावादी जो भगवान को निराकार मानते हैं, भुक्ति जो भोग की कामना करते हैं, इंद्र तृप्ति की कामना करते हैं, मुक्ति कामी जो मुक्ति की कामना करते हैं, और सिद्धि कामी जो सिद्धि प्राप्त करने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों का संग हमको त्यागना चाहिए। फिर आगे कहते हैं डिजायर्स टू एक्सपांड द माइंड बाय परफेक्टिंग मिस्टिक योगा to merge into the existence of Brahman or to attain whimsical material prosperity are all included within the category of greed या लॉलियम। तो अब वो जो है आगे ओके ठीक है, जो लॉलियम स्टार्ट हुआ है तो मैं रुकता हूँ, किसी का कोई कमेंट है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ हाँ माता जी। हरे कृष्णा। ओके आई थिंक माता जी के थोड़ा डिस्टर्बेंस है तो शी इज नॉट स्पीकिंग। ओके तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे वापिस हम लोग देखे हैं तो माता जी का शायद ये क्वेश्चन था कि धन संग्रह के बारे में। तो एक्चुअली यहाँ पे एक्चुअली अभी जो है अभी जो पैराग्राफ पढ़ा उसमें ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब जनसंघ मतलब जो जन है उनका त्याग करना है, जो संघ है उसका त्याग करना है हम लोगों को। एक मायावादी, एक जो भोग की कामना करते हैं, दूसरा तीसरा जो मुक्ति की कामना करते हैं, और चौथा जो सिद्धि की कामना करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग ऐसे लोगों से हम लोगों को दूर रहना है। ठीक है, अब ये तो बोल दिया कि डोंट संग नहीं करना है, तो फिर किसका संग करना है हम लोगों को? हम लोगों को भक्तों का संग करना है।
जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो हमेशा वैष्णव हैं, मतलब हमेशा भगवान का ध्यान करते हैं, ऐसे वैष्णवों का हमको संग करना है हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अपने मन को विस्तारित करके योग सिद्धि प्राप्त करना, ताकि हम भगवान या ब्रह्म में लीन हो सके या कुछ भौतिक सिद्धि प्राप्त कर सके। हम लोग जैसे कोई सिद्धि प्राप्त करता है तो उसका ये होता है कि मैं बड़ा इस सिद्धि से अपना धन ऐश्वर्य बढ़ाऊं, तो ये सब जो है ये लौल्यम में आता है। तो हमने देखा अत्याहार, प्रयास, अजल्प, नियमाग्रह, जनसंग, और अब वो लौल्यम की बात कर रहे हैं। लौल्यम मतलब लालच, ग्रीड। तो वो कह रहे हैं कि ऑल अटेम्प्ट्स टू एक्वायर से, तो कोई भी प्रयास हमारा जो भौतिक फायदे के लिए हो, जो हमें भक्ति में हमको बाधा दे रहा है, तो नहीं सॉरी, उसे भक्ति में बाधा माना जाएगा। उसको जो भी चीज हमें भौतिक प्रगति दे रही है, तो उसको हम लोग अपने कृष्ण भक्ति में बाधा उसको समझना चाहिए हम लोगों को। और नेक्स्ट पैराग्राफ है ओके, अत्याहार के बारे में है। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं। मॉडर्न वॉरफेयर वेस्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट इज ड्यू टू देयर अवॉइडिंग द एडवाइस ऑफ श्री रूप गोस्वामी। तो आज जो समाज में जो द्वंद है, जो अमीर लोग हैं वो सिर्फ अपना पैसा जमा करने में लगे हैं, और जो कम्युनिस्ट हैं वो ऐसे अमीर लोगों से पैसे निकाल निकाल कर अपने कैसे उनको लूट के अपने पास वापस गरीबों में बांटना है, इसके बारे में सोच रहे हैं। तो ये जो द्वंद है, ये श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो रूप गोस्वामी का जो अत्याहार का जो उनका उपदेश है उसका पालन नहीं कर रहे। जो कैपिटलिस्ट हैं आज के, वो बहुत जरूरत से ज्यादा धन जमा कर रहे हैं, और कम्युनिस्ट जो हैं वो उनके प्रति द्वेष रखते हैं। तो दोनों भी सही नहीं। और रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली द कम्युनिस्ट डू नॉट नो हाउ टू, कम्युनिस्ट ये नहीं जानते दुर्भाग्यवश कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, कि ये इतना सारा धन है उसको प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे। फिर आगे कहते हैं, और जब कभी ऐसा धन, जब इन कैपिटलिस्ट जो है उनका धन जब कम्युनिस्ट के हाथ में जब पड़ता है, तो उसमें से कोई रिजल्ट नहीं निकलता। और इस दोनों फिलोसफी के विपरीत है जो कृष्ण भावनामृत जो आइडियोलॉजी है वो आता है, कि सब कुछ जो है भगवान का ही धन है। जैसे वो बहुत अच्छा श्लोक है, ईशा वासम इदम सर्वम, तो जो भी इस दुनिया में है सब भगवान का ही धन है वो। फिर आगे कहते हैं, दस अनलेस ऑल वेल्थ कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कृष्णा, देर कैन बी नो सोल्यूशन टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ मैनकाइंड। जब तक सारा धन जो है भगवान कृष्ण के एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आ जाता, उनके देखरेख में नहीं आ जाता, तब तक ये जो है ये आर्थिक समस्या है मनुष्य की, वो कभी भी सुलझ नहीं सकती। कभी भी धन जो है वो कम्युनिस्ट के या कैपिटलिस्ट के हाथ में दे देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। और वो उदाहरण दे रहे हैं कि अगर एक $100 का नोट अगर रास्ते पे पड़ा है, अगर कोई उसको उठा के अपने पॉकेट में रख ले, तो वो व्यक्ति जो है वो चोर है। दूसरा व्यक्ति जो है वो देखता है और उसको वहीं छोड़ देता है, कि ये सोचकर कि ये दूसरे का प्रॉपर्टी, हमें इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन रूपों को समझिए, कह रहे हैं वो चोरी नहीं कर रहा है दूसरा व्यक्ति, लेकिन जो उसका सही उपयोग है वो नहीं जानता उसके बारे में। और तीसरा व्यक्ति जो है वो क्या करता है, उस $100 का जो नोट है उसको उठा लेता है, और जो व्यक्ति जिसका खो गया है
उसको ढूंढ के निकालता है और उसके हाथ में देता है कि ये भाई साहब आपका $100 का नोट आपको गिर गया था तो ये आपके लिए है। तो व्यक्ति न वो चोरी कर रहा है ना ही उसको दुर्लक्ष्य कर रहा है, तो दोनों भी जो चीज है वो गलत है। सही तरीका ये है कि उसको जो सही उपयोग है वो उसे करना चाहिए, उसको जिसका धन है उसको वापस ले जाके उसको दे देना चाहिए, न कि उसको वहां पे रास्ते पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि रास्ते पे छोड़ देंगे तो उस दूसरे व्यक्ति ने छोड़ दिया, लेकिन तीसरा या चौथा जो भी व्यक्ति आएगा हो सकता है किसी गलत व्यक्ति के हाथ में पड़े और उसका वो दुरुपयोग करे, तो ये जो चीज है ऐसे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे यही रूप गोस्वामी जी इस बात को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि उसको लेकर जो तीसरा व्यक्ति उसको लेकर अगर सही व्यक्ति के हाथ में दे दें तो वो मतलब वो बहुत मतलब सदाचारी भी है और बुद्धिमान भी है। और फिर आगे कहते हैं सिर्फ कैपिटलिस्ट लोग से धन लेके कम्युनिस्ट लोग में बांट देना, ये इससे मॉडर्न जो पॉलिटिक्स है इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, क्योंकि जब भी कम्युनिस्ट के हाथ में जो पैसा पड़ता है तो वो अपने इंद्र तृप्ति में उसको यूज करता है। क्यों? और फिर आगे कहते हैं ये जो जरा विश्व का जो धन है ये भगवान कृष्ण को ही कृष्ण का ही है और प्रत्येक जीव मनुष्य प्राणी जो भी है वो सब सबको इसको यूज करने का उसका अधिकार है। जब कोई व्यक्ति इसकी जरूरत से ज्यादा इसको लेता है चाहे वो कैपिटलिस्ट हो या कम्युनिस्ट हो वो चोर है और उसे दंड देने का अधिकार है उसका। हरे कृष्णा। तो 9:25 हो रहे, मैं रुकता हूँ यहाँ पे, किसी का कोई कमेंट है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा। सूरज माधव, यू वांट टू ऐड सम पॉइंट्स? अभी जैसे टाटा एंड ऑल आई थिंक उनका भी इसमें आता है लगता है ना प्रभु, लाइक मोर पायस एक्टिविटी, जैसे अभी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए वगैरह, बट आई थिंक स्पिरिचुअल में काउंट नहीं होगा। हरे कृष्ण। सॉरी प्रभु, मैं समझा नहीं, कैन यू रिपीट प्रभु? नहीं, अभी जैसे हम लोग इस अभी रतन टाटा जैसे लोग भी है लाइक वो मतलब कुछ ऐसा धन पूरे देश के लिए यूज कर रहे, मतलब फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री एंड ऑल, तो ये भी आई थिंक इसी इसमें आता लगता है ना प्रभु, लाइक कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट या लाइक उनको पायटी मिलेगा इसका खाली, लाइक मटेरियल बेनिफिट। हरे कृष्णा। सॉरी, तो या मतलब जो कैपिटलिस्ट है वो क्या करता है अपना धन सारा जो मतलब जमा कर रहा है अत्याहार करके वो अपने फायदे के लिए अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज कर रहा है, लेकिन ऐसे जो अच्छे फैमिली है जैसे रतन टाटा है ये जो है मतलब ये देश के लिए भी देश के लोगों के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो उसको कैपिटलिस्ट में हम नहीं गिन सकते हैं उनको, बट या उनको मतलब जो है उसका जो पुण्य है उनको पक्का उनको मिलेगा, उसको तो कुछ ना कुछ उसका सुकृति होगा उसका एंड ही विल गेट सम पुण्य। हरे कृष्णा। थैंक यू। जैसे जस्ट कल मुझे एक लाइक पुणे से एक प्रभु जी मतलब थोड़े बहुत कनेक्टेड है विस्कॉन से, उन्होंने कॉल किया था मुझे और बोल रहे थे कि उनके कोई तो मित्र है अभी उनकी वाइफ को या कोई तो रिलेटिव को कुछ बीमारी हुआ है फॉर विच 25 लाख चाहिए, तो आप लोग मतलब इस्कॉन से ऐसा कुछ देते हो क्या? मतलब एनजीओ जैसे एनजीओ थोड़े रहते जो थोड़ा, तो मैंने उनको बोला कि एक्चुअली हम लोग ऐसा जो भी अपना धन है हम लोग प्रचार के लिए है, बट हम लोग डेफिनेटली प्रे करेंगे ऐसा उनको बताया, तो क्योंकि कुछ एनजीओ होते हैं जो ऐसा, तो हम बोले नहीं हमारा नॉर्मली ऐसा होता नहीं, लाइक आवर्स इज टोटली मतलब प्रीचिंग मिशन है, तो बट विल डेफिनेटली प्रे ऐसा उनको बताया था। तो कुछ लोगों को भी कभी ऐसे लगता है कि ऐसे ऐसे चीजों में पैसे देना चाहिए। हरे कृष्ण।
या हरे कृष्णा, या मतलब ऐसा जैसे हॉस्पिस है और ऐसे मतलब जैसे भक्ति विधान तो हॉस्पिटल है, वो टोटली फ्री तो नहीं मतलब सब दे रहे, बट हाँ मतलब लोगों की थोड़ा बहुत सेवा कर रहे हैं। जैसे बीच में कल या परसों सत्यराज प्रभु बता रहे थे कि भक्ति विधान तो हॉस्पिटल है, वो थोड़ा सा ऐसा मतलब कहीं से मतलब लोगों से धन जमा करता है, फिर एक बड़ा ऐसा आई कैंप रखता है जहाँ पे जो गांव के लोग हैं, मतलब किसी गांव में जहाँ पे वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, उनका फ्री में उनको बुला के उनका आंखों का ऑपरेशन, कैटरेक्ट ऑपरेशन, ये सब जो है वो ऐसा करते हैं। तो विशिष्ट मतलब ऐसा एनजीओ जैसा तो नहीं है कुछ अपने यहाँ पे, हाँ लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब मेन जो है वो प्रचार के लिए भी यूज हो रहा है और गरीब बच्चों को खाना देने के लिए, फूड फॉर लाइफ गरीब लोगों को, और टू सम एक्सटेंट जो है जो गरीब लोग हैं उनको, उनके लिए जो है मतलब कुछ ऐसा कार्य होता है। हरे कृष्णा। यस प्रभु, थैंक यू। एक्चुअली हाँ, फूड फॉर लाइफ वेरी इम्पोर्टेंट आपने, यस प्रभु, फूड फॉर लाइफ। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी थैंक यू बहुत, मतलब आपने प्रभु जी वो एक एक पॉइंट वो प्रभु जी धन के ऊपर अभी जैसा सूरत माधव प्रभु बोल रहे थे प्रभु जी, एक जैसे कि बहुत लोग अभी आज के टाइम में प्रभु जी जैसे कि बड़े बड़े देवी देवता लोगों को भी मंदिर बनाते हैं, उनके लिए ऑफरिंग करते हैं, तो प्रभु जी आज एक श्लोक में भगवदगीता में 7.22 पढ़ रहा था प्रभु, इन दैट पर्पट प्रभुपाद जी यही समझा रहे थे कि भले ही वो लोग भूल गए हैं परम पुरुषोत्तम भगवान को और वो लोग देवी देवता को ऑफर करते हैं, बट देवी देवता भूले नहीं है, वो कभी भूलते नहीं है अपने मास्टर को, तो वो लोग क्या करते फिर वो जो जो ऑफरिंग किया हुआ है जितने भी वो उनको आगे मतलब भगवान को देवी देवता फिर आगे फॉरवर्ड करते, तो ये पॉइंट प्रभु जी वो प्रभुपाद जी ने वहाँ पे हाईलाइट किया था प्रभु जी इन दैट पर्पट कि लोग भूल गए हुए बट देवी देवता कभी भूलते नहीं है अपने भगवान को। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु, मैं थोड़ा नेटवर्क चला गया था, कैन यू रिपीट प्रभु? हाँ प्रभु जी, मैं ये बोल रहा था कि आज के समय में बहुत लोग जो धन को प्रभु जी यूज करते हैं, मतलब बड़े बड़े देवी देवता के लिए मंदिर वगैरह बनाते हैं एंड उनके लिए ऑफरिंग करते हैं डायरेक्ट, तो उस एक भगवत गीता में प्रभु जी आज मैं 7th chapter का जो 22 श्लोक पढ़ रहा था प्रभु, इन दैट पर्पट प्रभुपाद जी बता रहे थे भले ही जो लोग हैं वो भगवान को भूल चुके हैं और वो मतलब ये सब भौतिक आसक्ति के लिए और भौतिक बेनिफिट के लिए देवी देवताओं को डायरेक्ट ऑफर करते हैं, बट जो देवी देवता जो है वो कभी भगवान को नहीं भूले है बोलते प्रभु, एंड दे वो फिर वो पास ऑन करते हैं जो ऑफर हमने मतलब लोग देव देवी देवता को ऑफर करते हैं वो डायरेक्ट वो फिर वहाँ से वो भगवान को पास ऑन करते हैं, तो वो प्रभुपाद जी मतलब अपने पर्पट में समझा रहे थे कि लोग भूल चुके भूल गए हैं भगवान को बट देवी देवता कभी नहीं भूलते भगवान को, और वो उनका जो कार्य है पास ऑन करने का वो करते ही भूलते, उस पर्पट में वो समझा रहे थे प्रभु जी प्रभुपाद जी। ओके ओके, थैंक यू सर्वदेव प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो हम लोग यहाँ पे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए रुकते हैं हम लोग। श्री उपदेशामृत की जय, श्री रूप गोस्वामी, श्री प्रभुपाद की जय।